हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पायल और आप देख रहे हैं पायल का सफर। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक और डे आउटिंग पे बेंगलोर से। लास्ट टाइम हम लोग गए थे कोटिलिंगेश्वर टेम्पल, जो बहुत ही अच्छा था। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है ना, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके देख लेना। और आज हम लोग जा रहे हैं बेंगलोर से अराउंड 35 किलोमीटर दूर श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम, और उसके साथ हम लोग जाएंगे पिरामिड वैली। तो बस अभी बज गई है 10 और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो लेके चलती हूँ आप लोग को भी, दिखाती हूँ कि रविशंकर जी का आश्रम कितना सुंदर है। मैं पहले भी वहाँ गई हूँ, तो सोचा इस बार आपको भी लेके चलूँ और दिखाऊँ कि कितना सुंदर है आश्रम। पिरामिड वैली मैं पहले नहीं गई हूँ, पिरामिड वैली मैं पहली बार जा रही हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पिरामिड वैली कनकपुरा रोड पर लोकेटेड है और बेंगलोर से अराउंड 40 किलोमीटर की दूरी पर है। जब आप बेंगलोर से पिरामिड वैली जाएंगे तो आर्ट ऑफ लिविंग ऑन द वे आएगा। आप चाहें तो पहले आर्ट ऑफ लिविंग जा सकते हैं। हमारा आज पहले पिरामिड वैली जाने का प्लान है। अभी हम लोग पिरामिड वैली इंटरनेशनल पहुंच चुके हैं। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है और ये बहुत ही शांत है। मतलब इतनी तो ग्रीनरी है और इसके रास्ता भी ना इतना अच्छा था। मतलब पूरा गांव था, तो गांव में वैसे ही शांति होती है, और अंदर आ रहे हैं तो एकदम शांति है, बहुत अच्छा है। यहाँ हम लोग अभी लंच करने वाले हैं, यहाँ पे फ्री में लंच मिलता है। तो आगे से हमें कूपन लेना है, वहाँ से कूपन लेके फिर हम आगे जाएंगे लंच करने के लिए। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पे लंच का कूपन लेना होता है। और ये पूरा पिरामिड वैली कितना सुंदर है। पिरामिड वैली में एंटर करने के बाद आप जैसे ही थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको ये पॉन्ड देखने मिलेगा, जहाँ पे आप कायाकिंग कर सकते हैं। ये लोग पर पर्सन 100 रुपीज चार्ज करते हैं और आपको 10 to 15 मिनट्स का टाइम देते हैं। ब्रह्माश्री पितामह सुभाष पत्री जी ने 2003 में पिरामिड वैली की स्थापना की थी और अभी ये पिरामिड स्पिरिचुअल ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। ये पूरा पिरामिड वैली 28 एकर्स में फैला हुआ है और यहाँ चारों तरफ इतनी ग्रीनरी है कि आपको यहाँ आने के बाद वापस जाने का मन ही नहीं करेगा। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर, यही यहाँ का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। यही देखने आते हैं लोग दूर दूर से। और यहाँ पे हम लोगों को ना कूपन भी मिलने वाले हैं खाने के, तो हम यहाँ से कूपन लेते हैं और आपको अंदर से दिखाती हुई कैसा है। ये अभी हमने कूपन लिया है 12:30 to 2। ये यहाँ पे पिरामिड वैली जो है उसी के बाहर मिलता है। यहाँ पे अंकल दे रहा है सबको। पिरामिड वैली में वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिटेशन पिरामिड है, जिसकी हाइट 102 फीट है और बेस एरिया अराउंड 2500 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। जब आप पिरामिड के अंदर जाएंगे तो आपको बिल्कुल सेंटर में ये किंग्स चैम्बर देखने मिलेगा, जहां काफी स्टेयर्स हैं और आप स्टेयर्स से सबसे ऊपर जा सकते हैं। कहा जाता है कि ये पूरे पिरामिड का सबसे पॉजिटिव एरिया माना जाता है। ये पिरामिड इतना बड़ा है कि यहाँ 5000 लोग एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं।
यहाँ टाइम टाइम पे मेडिटेशन प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, आप चाहें तो उन प्रोग्राम्स में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पे रहने के लिए भी आपको रूम्स मिल जाएंगे, आप जैसा चाहें वैसा रूम ले सकते हैं। और अगर आपको प्रोग्राम्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी हम लोग जा रहे हैं कैफेटेरिया जहाँ पे हमको लंच मिलेगा। और यहाँ पे ना ये म्यूजिक सुनो यार, यहाँ पे हर जगह यही म्यूजिक बज रहा है और बड़ा अच्छा लगता है। तो ये है इनका कैफेटेरिया, बाहर से खुशबू तो मस्त आ रही है और भूख भी लग गई है यार, तो अभी अंदर चल के देखते हैं कि खाने में क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले मिल रही है टमाटर की चटनी, फिर ये बैंगन की सब्जी, उसके बाद यहाँ पे राइस मिल रहा है और उस राइस के ऊपर मस्त घी, और ये लास्ट में सांभर। यहाँ की खास बात है ये लोग ना ग्लास में छाछ नहीं देते, आपको पूरा प्लेट क्लीन करना होगा और छाछ भी आपको उसी में लेना होगा, इससे जीरो वेस्टेज होता है फूड का। देखो हम इसमें छाछ पी रहे। ये जो एरिया देख रहे हैं ना आप, ये स्टूडेंट्स के लिए है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए अलग से खाना होता है और विजिटर्स के लिए अलग होता है। तो अभी हमने लंच कर लिया है, बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत ही सात्विक था, सांभर थी, चटनी थी, चावल था, छाछ थी, बहुत अच्छा था। तो अगर आप लंच कर मतलब अगर आप हमारे जैसा प्लान कर रहे हैं तो आप लोग लंच यहाँ कर सकते हैं, उसके बाद में आप डिनर जो श्री रविशंकर जी का आश्रम है वहाँ कर सकता है। तो अभी हम लोग का लंच हुआ है, अब थोड़ा सा यहीं पे थोड़ा घूमेंगे, देखेंगे और क्या है, उसके बाद रविशंकर जी के आश्रम जाएंगे। चले आते तुम्हें ये कौन सी ऑटोमेटिक है? अरे तो ऑटोमेटिक गाड़ी है, चला सकते हैं। नहीं आपके सब बैठ सकते हैं इसमें, तो कौन लेके जाएगा इसको? हैंड ब्रेक है, सब सेम सेम। गौरव जी चलाएंगे, आप बैठो, बैठ जाओ, चलो चलो। ये देखो सुपारी का पेड़ है, ये हमारे घर का चलिए फिर पिरामिड वैली को अलविदा कहते हैं और श्री रविशंकर जी के आश्रम आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ चलते हैं।
पर इस वीडियो में नहीं, ये आपको देखने मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपको श्री रविशंकर जी के आश्रम की पूरी जानकारी दूंगी, आपको पूरा आश्रम घुमाऊंगी और वहां डेली होने वाले सत्संग को भी हम साथ मिलकर अटेंड करेंगे। तो अगर आप ये सब देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।